शुभोदय बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल रहें। तो बच्चों, आपकी जो कक्षाएं अच्छी तरह से चल रही हैं ना, तो आज हमारी कक्षा 5 यानी क्लास 5 विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी से संबंधित जो पाठ चल रहा है, पाठ 6 लेसन 6 अहंकार पाठ के अभ्यास कार्य को हम कर रहे हैं ना बच्चों। पिछले अभ्यास कार्य में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुधा लक्ष्मी आपको बताई थी, पिछले अभ्यास कार्य में क्या बताई थी, पिछले कक्षा में आपको प्रश्नोत्तर भाग को आपको मैंने समझाया था, प्रश्नों के उत्तरों को दिया था, उस प्रश्नों के उत्तरों को आपने ठीक तरह से लिखा है ना बच्चों अपने कॉपियों में। तो अब हम अभ्यास कार्य के अगले अंश की ओर, अगले रोमनों की ओर चलेंगे। तो हमारे जो मैंने आपको गृहकार के रूप में बहुत सारे रोमनों को दिया था, जैसे वाक्य प्रयोग और सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना, फिल इन द ब्लैंक्स और मेक द सेंटेंस, इन सभी को मैंने आपको कार्य के रूप में दिया था ना बच्चों। तो आज हम व्याकरण अंश की ओर चलेंगे। व्याकरण अंश अगला जो हमारा अभ्यास कार्य का जो अगला रोमन है, व्याकरण अंश है। तो चौथा रोमन, पेज नंबर 30, पृष्ठ संख्या 30, चौथा रोमन, फोर्थ रोमन, विलोम शब्द लिखिए। तो यह जो रोमन है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स, यानी जो एक शब्द होता है उसका विपरीत शब्द, मतलब उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। यह जो प्रश्न वाला शब्द होता है यानी क्वेश्चन वर्ड, एज इट इज ऑपोजिट दट आंसर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड मीन्स दैट ओनली दैट आंसर वर्ड, मतलब एक जो शब्द दिया रहता है, जो एक वर्ड रहता है उसके ऑपोजिट वर्ड को हम विलोम शब्द कहते हैं हिंदी में। ऑपोजिट माने विलोम, और इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी, उल्टा शब्द भी कह सकते हैं। उल्टा माने भी ऑपोजिट, विपरीतार्थक माने भी ऑपोजिट। तो हिंदी तेलुगु में आप लोग कहते हो ना वितरेक पदालु, सो वितरेक पदालु मतलब एक शब्द रहता है उसका दूसरा, यानी उसका मतलब उल्टा अर्थ देने वाला। देखो, जब हम किसी प्रश्न को, यदि हमसे कोई पूछते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है, डू यू नो दिस आंसर चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन आंसर, तब हम क्या कहते हैं? यस। यदि हमें नहीं आता हो तो नो, तो यस और नो ये भी उल्टे शब्द हैं। यस माने हमें उसे, उस प्रश्न का उत्तर सही तरह से आता है, और नो माने हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। उल्टा शब्द हुआ कि नहीं? यस माने जानना, हाँ मुझे पता है, नो माने नहीं, नहीं पता है कि नहीं? तो यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द के 6 शब्द दिए गए हैं। एक एक शब्द का मैं उसका विपरीत शब्द बताऊंगी, उल्टा शब्द बताऊंगी, और दोनों शब्द के जो प्रश्न शब्द है, उत्तर शब्द है, उन दोनों का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी। तो चलिए पहले शब्द की ओर। यहाँ पे आपको बोर्ड में देखिए बच्चों, पहला शब्द दिखाई दे रहा है, देखिए आदर क्या है बच्चों? आपका प्रश्न वाला शब्द, विलोम शब्द जिसका लिखना है हमें, उसका प्रश्न वाला शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है? आदर। आदर, आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, यानी हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तेलुगु में पेद्दवाल की मनो गौरविंचाली कहते हैं ना, मतलब उनको आदर करना। तो आदर, आदर माने रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट का उल्टा शब्द क्या हुआ? आदर का उल्टा शब्द क्या हुआ? अनादर। अनादर हुआ कि नहीं? हाँ, जिसे हम इंसल्ट भी कह सकते हैं, अनादर करना कर सकते हैं, इंसल्ट मतलब। आदर का उल्टा शब्द क्या हुआ? अनादर। रेस्पेक्ट का उल्टा शब्द क्या हुआ? इंसल्ट। उसी तरह दूसरा शब्द देखिए, दूसरा ठीक नीचे दूसरा शब्द, प्रश्न वाला शब्द अपना। अपना जो प्रश्न वाला शब्द है, विलोम शब्द अपना। अपना माने अपना, स्वयं का, माइन जिसे हम कहते हैं, मेरा है ये। तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा? अपना पराया। पराया माने दूसरे का, कोई भी चीज हो
यदि वो अपनी हो तो हम क्या कहते हैं, यहाँ मेरी वस्तु है, दिस इज माइन। हाँ, यदि वह दूसरों की हो, हाँ दिस इज योर्स, कहते हैं कि नहीं। तो यस, इसी तरह का यह शब्द हुआ अपना। अपना माने स्वयं का, हमारा। दूसरों का माने पराया, पराया माने दूसरों का। सो अपना और पराया, अपना और पराया, माइन और योर्स, पराया दूसरों का, अदर्स हम कह सकते हैं, अदर्स। पराया माने वाट, अदर्स, और अपना माने आवर्स। क्या हुआ, इट इज आर्स। अपना माने इट इज आर, और पराया माने अदर्स। अब तीसरा देखे, ठीक नीचे देखे बच्चों, नुकसान। क्या हुआ, कौन सा शब्द है बच्चों, नुकसान। यहाँ पे संत तिरुवल्लुवर को क्या हो जाता है, कपड़ों का जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इससे उनके कपड़े का नुकसान होता है। नुकसान का अर्थ क्या है, लॉस। अंग्रेजी शब्द क्या हुआ नुकसान का, लॉस, माने किसी चीज का नष्ट होना, किसी चीज का बर्बाद हो जाना, उसे हम नुकसान कहते हैं। तो नुकसान, नुकसान का उल्टा शब्द क्या होगा, यदि नुकसान होगा फिर हमें उसे नुकसान को पूरे करने के लिए हमें कुछ करना होगा, तब हमें क्या होगा, उल्टा शब्द क्या हुआ नुकसान का, लॉस का प्रॉफिट है कि नहीं, लाभ। नुकसान का उल्टा शब्द क्या हुआ, लाभ, लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट। नुकसान का उल्टा शब्द क्या हुआ, लाभ। यदि आपकी कोई चीज खो जाती है तो आपको नुकसान होता है कि नहीं, इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ, इफ यू लॉस्ट योर पेंसिल और योर पेन योर सम वैल्यूएबल थिंग्स, देन व्हाट हैपन, यू आर हैविंग लॉस। इफ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा, यू आर हैविंग सो मेनी पेन्स, बट आफ्टर इन योर बर्थडे इफ यू आर गेटिंग 10 मोर पेन्स, देन यू आर हैविंग प्रॉफिट और नॉट, यस। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बिजनेस में, बिजनेस करते समय कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है, यस और नो। हाँ, हमारे बिजनेस में कभी कभी, देखिए कोई भी बिजनेस हो, जैसे वेजिटेबल मार्केट में जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, सब्जी बेचते हैं, कभी कभी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब क्या होता है, तो वे सब्जियों के दाम के कारण वे और थोड़ा दाम देकर कमाने लगते हैं। कभी कभी उनके पास यदि पूरा स्टॉक रहता है और सब्जियों के दाम मतलब हमें मतलब अचानक से घट जाते हैं, सडनली प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उस समय क्या होता है, उनको नुकसान होता है कि नहीं। तो नुकसान, नुकसान यानी लॉस, और लाभ यानी प्रॉफिट। जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना बच्चों, दीज डेज इज रेनी डेज, रेनी डेज आर गोइंग ऑन नो। तो यहाँ पे देखिए कुछ जगह में, कुछ प्रांतों में जो एग्रीकल्चर का फील्ड होता है वहां पे पानी भर जा रहा है कि नहीं, भूमि, वो पानी भरने के कारण क्या हो जा रहा है, फसल की मतलब फसल पूरे पानी में डूब जा रहे। तो यहाँ पे किसानों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है, दे आर हैविंग लॉस और प्रॉफिट। हाँ, तो यहाँ पे उनका जो भी किसान है, जो भी फार्मर्स है, उनका क्या हो रहा है, लॉस। और यदि बारिश नहीं हो अच्छी तरह से, क्रॉप्स वे अच्छी तरह से मतलब फसल की मतलब कटाई करके फसल को यदि बेचें तो उनका पैसा आता है, इससे क्या होता है, उनको लाभ होता है, तो उनको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो यहाँ पे नुकसान, नुकसान यानी लॉस, उसका उल्टा शब्द क्या हुआ, लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट। उसी तरह यहाँ पे दूसरा शब्द देखिए बच्चों, शांत। इस तरफ से पहला शब्द शांत, शांत, शांत यानी पीस, यानी शांत स्वभाव के व्यक्ति, शांत रहने वाले व्यक्ति। यदि शांत जब शब्द आए तो हम पहले किसको याद करते हैं, महात्मा गांधी जी को, है कि नहीं। वे कैसे व्यक्ति थे, बहुत ही शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। तो शांत यानी पीस माइंडेड, पीस। उसी का उल्टा क्या हुआ, जो एकदम शांत रहे, उल्टा क्या होगा, गंभीर, क्रोध। यहाँ पे क्रोध दिया गया है, हम गंभीर भी कह सकते हैं, यानी बहुत ही गुस्से में रहने वाला, एंगर में रहने वाला कह सकते हैं। तो यहाँ शांत का उल्टा शब्द, शांत यानी पीस, बहुत ही शांतिपूर्ण रहने वाला, उसका उल्टा शब्द क्या हुआ, क्रोध, क्रोध यानी बहुत ही गुस्से में रहने वाला, यानी एंगर। अगले शब्द की ओर चलते हैं बच्चों, देखिए अगला शब्द आपको नजर आ रहा है ना बोर्ड में, व्यर्थ, व्यर्थ यानी व्यर्थ, व्यर्थ माने क्या बच्चों,
व्यर्थ ही उनका नुकसान हुआ। व्यर्थ माने वेस्ट, बेकार, मतलब बेकार से ही हम किसी चीज को मतलब यूं ही मतलब तोड़ फोड़ देना या बर्बाद कर देना कहते हैं ना, तो व्यर्थ ही इसने तोड़ दिया, व्यर्थ ही इसने फाड़ दिया कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे व्यर्थ का अर्थ क्या हुआ, वेस्ट। वेस्ट मतलब कोई भी चीज व्यर्थ हो जाती है तो उसे हम वेस्ट कहते हैं, वेस्ट। यहाँ पे आप लेसन में आपको देखा होगा कि जैसे लड़का जो यंगस्टर रहता है वो क्या करता है, व्यर्थ ही तिरुवल्लुवर जी के क्लॉथ को फाड़ देता है। तो वहां पे व्यर्थ नुकसान, वेस्ट कर देता है, तो वेस्ट कर क्लॉथ कर देता, क्लॉथ को फाड़ कर क्लॉथ वेस्ट कर देता। तो व्यर्थ का उल्टा शब्द क्या होगा बच्चों, बताइए व्यर्थ का उल्टा शब्द क्या होगा, कोशिश करिए। तो व्यर्थ का उल्टा शब्द आपको नहीं पता है बच्चों, तो मैं बताती हूँ अव्यर्थ। अव्यर्थ जिसे हम वेस्ट ना कर सके मतलब उसे अव्यर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे अगले शब्द की ओर चलते हैं बच्चों। अगला शब्द क्या है, उपयोगी। उपयोगी माने यूजफुल, वेरी यूजफुल। जो भी चीज मतलब हमारे लिए, आप बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी क्या क्या चीजें हैं, बुक्स, किताबें, पेंसिल, पेन, कलम, ये सभी आपके लिए उपयोगी चीजें हैं कि नहीं। तो ये दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, पेन, कॉपी, बुक्स, यस और नो, पेंसिल्स। और आपके लिए निरुपयोगी चीजें क्या हैं, उपयोगी का उल्टा शब्द है, विलोम शब्द, निरुपयोगी। निरुपयोगी, निरुपयोगी, निरुपयोगी माने यूजलेस थिंग्स, यूजलेस यानी यूजलेस थिंग्स आपके लिए क्या होगी, जब आप मोबाइल लोगे तो वो आपके लिए यूजलेस ही है, लेकिन आजकल आपके पास मोबाइल होना जरूरी है कक्षाओं के लिए। जब आप स्कूल आते थे तो आपको क्या कहते थे हम लोग, कि आपको यूजलेस थिंग्स, जैसे आप जिससे जिसका उपयोग आपको अच्छा नहीं है तो उनका उपयोग ना करें, हम कहते थे कि नहीं। तो जैसे हम कहते थे कि मोबाइल में ज्यादा नहीं खेलिए, कहते थे ना, तो उसके वह आपके लिए क्या है, निरुपयोग है, यूजलेस। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ बच्चों, आदर अनादर, अपना पराया, नुकसान लाभ, शांत क्रोध, व्यर्थ अव्यर्थ, उपयोगी और निरुपयोगी। अब हम पांचवें रोमन की ओर चलते हैं बच्चों। पांचवा रोमन क्या है, देखिए, पढ़िए, समझिए और कीजिए, रीड लर्न एंड डू। तो यहाँ पे हमें द्वित्वाक्षर तथा संयुक्ताक्षर संबंधित कुछ व्यंजन दिए गए हैं। तो हम अपनी तीसरी कक्षा में हमने बहुत खूब अच्छी तरह से द्वित्वाक्षर और संयुक्ताक्षर के पाठों को सीखा था, क्योंकि इन दोनों से संबंधित एक एक पाठ वहां पे दिया गया था। द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं पहले आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड में देखिए बच्चों, द्वित्वाक्षर, द्वित्वाक्षर माने दो अक्षरों से बना हुआ, मतलब जोड़ से बना हुआ अक्षर। द्वित्व, द्वित्व माने दो, तो दो समान व्यंजनों से बनने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं, द्वित्वाक्षर। दो समान मतलब एक जैसे अक्षर, एक रूप वाले अक्षर, हाँ, सेम लेटर्स। व्हेन दो सेम लेटर्स जॉइन टुगेदर इट इज कॉल्ड द्वित्वाक्षर, टू सेम लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पुस्तक में, किताब में दिया गया, देखिए, इल, इल प्लस ला, ला, तो इसका उच्चारण कैसे हुआ, अल्ला। तो यहां से उससे संबंधित क्या शब्द दिया गया है, तिरुवल्लुवर, दिल्ली और बिल्ली। उसी तरह दूसरे संयुक्ताक्षर, दूसरा जो दिया गया है क्या है, संयुक्ताक्षर, लेकिन मैं पहले आपको द्वित्वाक्षर के बात बताती हूँ। तो यहाँ पे दो ही दिए गए हैं द्वित्वाक्षर के, मैं आपको कुछ और उदाहरण भी बताती हूँ, जैसे इक, इक प्लस का। तो यहाँ पे का मतलब द्वित्वाक्षर का अर्थ क्या है बच्चों, पहले दो समान अक्षरों में जो पहला अक्षर आता है उसको हमको आधे रूप में यानी मात्रा के रूप में लेना है, और इस मात्रा के रूप में लिए हुए आधे अक्षर को हमें सेम मतलब उसी अक्षर के पूर्ण रूप से जोड़ना है, यानी पूरे रूप से जोड़ना है। सेम लेटर, व्हेन दैट वन लेटर वी हैव टू टेक वन सेम लेटर फॉर, बट
we have to take two letters, same letters. First letter we have to take as a symbol and the second letter we have to take as a full letter. And we have to join together those two letters. It is called Dutva Akshar. So, दोनों अक्षरों को एक अक्षर मात्रा के रूप में और दूसरा अक्षर पूर्ण रूप में जोड़ने से, दोनों अक्षरों को जोड़ने से क्या बनता है? द्वितीय अक्षर. जैसे इक प्लस का, इक्का. इक्का से कुछ शब्द बताएं बच्चों, मक्का, चक्का, सिक्का. उसी तरह इन प्लस ना, इन्ना, गन्ना, अन्ना, है कि नहीं, पन्नग. उसी तरह इस प्लस सा, इस्सा, रस्सी, अस्सी, लस्सी. तो यहाँ पे और एक ध्यान देने की बात है बच्चों, वर्णमाला के जो भी व्यंजन है, व्यंजन मैंने क्या कहते हैं, कॉन्सनेंट्स जो भी हैं, का से लेकर पा फा बा भा मा तक, यहाँ पे इन में से प्रथम और तृतीय यानी पहले और तीसरे अक्षर को ही हम द्वितीयाक्षर के रूप में जोड़ते हैं. और अनुनासिक को छोड़कर बाकी बाद के पंचम अक्षर को भी यानी पांचवें अक्षर को भी हम ले सकते हैं. व्यंजन कितने? का, खा, गा, घा, इंगा. इस पांच अक्षरों में हमें सिर्फ का और गा का ही हम द्वितीयाक्षर के रूप में उपयोग कर सकते हैं. उसी तरह चा और जा का, उसी तरह टा और डा का, और ता, था, दा, धा, ना में ता का, दा का, ना का. उसी तरह पा, फा, बा, भा, मा में पा का, बा का और मा का. और दो भी दूसरे शब्द, सेकेंड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड, इन सेकेंड और फोर्थ को हम संयुक्ताक्षर के रूप में यानी संयुक्ताक्षर के जो दूसरे अक्षर होता है उसके रूप में हम उपयोग कर सकते हैं. तो अब हम चलते हैं संयुक्ताक्षर की ओर बच्चों. संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या बच्चों? मतलब वो दो अलग अलग अक्षर समान रूप से जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं. पहला अक्षर का जो मात्रा होता है वह किसी दूसरे अक्षर के साथ जुड़ता है. मतलब फर्स्ट डिफरेंट लेटर सिंबल इज जॉइंट टुगेदर सम अदर लेटर. हाँ, मतलब वह जो पहला अक्षर जो होता है उसका सिंबल जो होता है, उसका मात्रा जो होता है, वह किसी दूसरे अक्षर अनदर लेटर के साथ जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर. तो संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ. जैसे इन प्लस या, अन्य. उसी तरह और मैं बताती हूँ बच्चों, इक प्लस खा, मक्खी. इक मक्खी. यहाँ पे भी देखिए बच्चों कुछ दिए गए हैं. इप प्लस ता, इप्त. इप्त से क्या होगा? लुप्त. और क्या बता सकते हैं बताइए, कोशिश करिए बनाने की. लुप्त. सप्ताह, सप्ताह. लुप्त, सप्ताह. और एक शब्द है बच्चों, बताने की कोशिश करिए. गुप्त, गुप्त माने सीक्रेट. उसी तरह अब यहाँ पे एक द्वितीयाक्षर आया है उसको मैं बताती हूँ. इत प्लस ता, इत्ता. इत्ता से कौन से शब्द बनेंगे बच्चों, आप बताइए. एक है पत्ता, कुत्ता और छत्ता. अब यहाँ पे संयुक्ताक्षर का एक दिया गया, देखिए बच्चों. इद प्लस या, दिया. इद प्लस या, दिया. दिया से क्या होगा बताइए, कोशिश करिए. शब्दों को ढूंढने की कोशिश करना होगा आपको, समझने की कोशिश करना होगा, आप ही को आंसर देने की कोशिश करना होगा बच्चों. इद प्लस दिया, बताइए, कोशिश करिए बच्चों. तो यहाँ पे इद से इद और या संयुक्ताक्षर का जो पहला शब्द है उत्तर देखिए बच्चों, उससे बनने वाला शब्द पद्य. पद्य माने पद्य जो कहते हैं ना, पद्य, वो पद्य कविता रूपी. गद्य, गद्य माने गद्य भाग. और खाद्य, खाद्य माने खाने वाला. गद्य माने लेसन जो पढ़ते हैं गद्य रूप में पढ़ते हैं उसे गद्य कहते हैं. पद्य माने कविता, उसी को हम पद्य कहते हैं. आप देखिए बच्चों हमारा जो अगला रोमन है, अगला रोमन करो कुछ और भी, डू समथिंग मोर. मतलब यहाँ पे क्या हुआ अगला रोमन,
तो देखिए बच्चों, हमारा जो अगला रोमन है, करो कुछ करो, मतलब डू समथिंग मोर, यहाँ पे कुछ और भी। तो यहाँ पे हमें एक जो रोमन दिया गया है या व्याकरणिक संबंधित एक रोमन दिया गया है, देखिए बच्चों पढ़िए और समझिए। मैं एक बार आपको पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद मैं आपको इस विषय के बारे में समझ के बारे में समझाऊंगी। तो पहला जो है कपड़ा बुनने वाला बुनकर, दूसरा वस्त्र सिलने वाला दर्जी, तीसरा खेती करने वाला किसान, चौथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, पांचवा रोगियों का इलाज करने वाला डॉक्टर, छठवां चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के व्याकरणिक भेदों को समझ सकते हैं, जैसे अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, यानी इंस्टेड ऑफ ऑल द सो मेनी लेटर्स फुल सेंटेंस वी कैन यूज वन वर्ड, यस और नो। तो उसी तरह और एक व्याकरणिक भेद क्या है, व्यवसाय ऑक्यूपेशन। तो इस अंश से हमें दो प्रकार के भेद समझ में आए, अनेक शब्दों के शब्द बदले में एक शब्द और व्यवसाय ऑक्यूपेशन। तो पहले हम ऑक्यूपेशन की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो पाठ है अहंकार पाठ में तिरुवल्लुवर जी क्या करते थे, काम उनका व्यवसाय क्या था, कपड़े बुनने वाले, जुलाहा थे यानी बुनकर, बुनकर कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं, बुनकर और जुलाहा कह सकते हैं। तो वस्त्र सिलने वाला, वस्त्र जो सिलता है, जो कपड़ा सिलता है हमारे लिए, मतलब ड्रेस बनाता है, फ्रॉक्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते सिलते हैं, जो स्टिचिंग करते हैं उनको क्या कहते हैं, दर्जी, टेलर्स। तीसरा खेती करने वाला, खेती का काम कौन करता, फील्ड वर्क कौन करता है, एग्रीकल्चर वर्क, किसान, फार्मर। चौथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है जैसे घड़े, छोटे छोटे पॉट, उसी तरह मिट्टी के बर्तन यानी मड, मड के मड से मतलब जो काम करता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं, कुम्हार। क्या कहते हैं, पॉट मेकर यानी कुम्हार। पांचवा रोगियों का इलाज करने वाला, दोज हु इज ट्रीटिंग ट्रीट द पेशेंट्स, उसे क्या कौन कहते हैं, कौन ट्रीट करता है पेशेंट्स को, मतलब जो भी पेशेंट बीमार हो, सिक हो, जो भी इंसान यानी जो ह्यूमन, जो भी व्यक्ति, औरत, मैन और वुमेन यदि सिक हो, उसका इलाज कहाँ होता है, अस्पताल में। अस्पताल में कौन इलाज करता है, हॉस्पिटल में हु इज गिविंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स, डॉक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर, इलाज करने वाले को क्या कहते हैं, हिंदी में भी डॉक्टर कहते हैं। छठवां चित्र बनाने वाला, पेंटर, पेंटिंग करने वाला, चित्रकार, पेंटर यानी जो आर्टिस्ट होता है, जो चित्रकला में जिसको मतलब नैपुण्य होता है, जो चित्रकला करता है, चित्र बनाता है, उसे हम चित्रकार कहते हैं, पेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी है ये सभी व्यवसाय दिए गए हैं, मतलब हमारे जो मतलब दुनिया में, इस भूमि में बहुत सारे मानव हैं, लेकिन हर एक मानव का कोई ना कोई काम होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा काम क्या, आपको शिक्षा देना, पढ़ाना। तो पढ़ाने पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, गुरु। मैं आपकी गुरु हूं ना, शिक्षिका हूं ना, शिक्षक और शिक्षिका हूं ना। तो जो भी पाठ पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षक और शिक्षिका, अध्यापक और अध्यापिका। और जो पढ़ता है, पाठ पढ़ने वाला, हु इज लर्निंग द लेसन्स, हु इज लर्निंग द सब्जेक्ट टॉपिक्स फॉर दोज पीपल व्हाट वी कॉल स्टूडेंट्स, जो सीखता है, हु इज लर्निंग, सीखने वाले को हम क्या कहते हैं, शिष्य यानी स्टूडेंट्स। और जो पढ़ाता है उसे टीचर। उसी तरह यहाँ पे कुछ व्यवसायों के नाम दिए गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो राजनीति का काम करता है, हु इज डूइंग द पॉलिटिक्स वर्क्स, हम क्या कहते हैं, लीडर, नेता है कि नहीं। तो यहाँ पे काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्मचारी। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पे मछली पकड़ने वाले को, हु इज कैचिंग द फिश, हाँ फिशरमैन, तो क्या कहते हैं, मछुआरा, मछली पकड़ने वाले को मछुआरा। उसी तरह गाना गाने वाले को, जो गाना गाता है, या लड़की और लड़का क्या कहते हैं, गायक और गायिका, हु इज सिंगिंग सॉन्ग्स। इफ गर्ल वी आर सेइंग सिंगर, लेडी सिंगर, इफ जेंट्स वी कैन से जेंट सिंगर, सिंगर सिंगर कहते हैं कि नहीं, जो गाना गाता है, हु इज सिंगिंग सॉन्ग, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगर। तो इसी तरह यहाँ पे
कुछ व्यवसायों के नाम दिए गए हैं, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर, वस्त्र सिलने वाले को दर्जी, खेती करने वाले को किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार, रोगियों के इलाज करने वाला डॉक्टर, चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो आपको समझ में आया ना बच्चों? तो आज हमारा जो अहंकार पाठ है और इसका जो अभ्यास कार्य है पूर्ण रूप से समाप्त हुआ बच्चों। तो आपको आज गृह कार्य के रूप में मैं आपको चौथे रामन को और अंतिम रामन जो व्यवसाय है उसको आपको पढ़ना और सीखना है, और इन सभी जो उत्तरों को मैंने आपको दिया गया आंसर से जो भी दिया गया है इन आंसरों को आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। यू हैव टू राइट दीज ऑल आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 एंड एज वेल एज यू हैव टू कॉपी दीज आंसर्स इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके चिल्ड्रन, तो धन्यवाद बच्चों, मुझे पूर्ण रूप से आप पर पूरा भरोसा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा और आपने इस पाठ से, अहंकार पाठ से बहुत सारी शिक्षा प्रदान मतलब ग्रहण किया होगा। आपने बहुत अच्छा अच्छी तरह से इस पाठ से जो भी शिक्षा है, जो भी नीति है सीखी होगी, है कि नहीं बच्चों? तो धन्यवाद।